दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 300 करोड़ कमाने वाली हिंदी फिल्मों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि सबसे ज्यादा किस एक्टर ने 300 करोड़ वाली फिल्में दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक 10 हिंदी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में 300 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। नंबर 10 पर है सुल्तान। इस फिल्म ने इंडिया में 300 करोड़ 40 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 9 पद्मावत। ये फिल्म 25 जनवरी सन 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 302 करोड़ 35 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 8 वॉर। ये फिल्म 2 अक्टूबर सन 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 318 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 7 बजरंगी भाईजान। ये फिल्म 17 जुलाई सन 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 320 करोड़ 64 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 6 टाइगर जिंदा है। ये फिल्म 22 दिसंबर सन 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 339 करोड़ 30 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 5 पीके। ये फिल्म 19 दिसंबर सन 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 340 करोड़ 85 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 4 संजू। ये फिल्म 29 जून 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 342 करोड़ 57 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 3 दंगल। ये फिल्म 23 दिसंबर सन 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 387 करोड़ 50 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 2 KGF 2 हिंदी वर्जन। ये फिल्म 14 अप्रैल सन 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 438 करोड़ 60 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 1 बाहुबली 2। ये फिल्म 28 अप्रैल सन 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने इंडिया में 511 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी 300 करोड़ क्लब वाली फिल्में और इन 10 फिल्मों में से सबसे ज्यादा 300 करोड़ वाली फिल्म सलमान खान के नाम पर है। सलमान खान ने 3 बार 300 करोड़ वाली फिल्में दी है। तो दूसरे नंबर पर आमिर खान है जिसने 2 बार 300 करोड़ वाली फिल्में दी है। बाकी प्रभास, ऋतिक रोशन, यश, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और टाइगर श्रॉफ ने 1 बार ही 300 करोड़ वाली फिल्में दी है, जबकि अक्षय कुमार और शाहरुख खान के नाम पर एक भी 300 करोड़ वाली फिल्म नहीं है। वैसे दोस्तों, इन 10 फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।